ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है वड़ा पाव की चटनी। इसके बिना ना वड़ा पाव जो होता है हमारा अधूरा होता है। कभी भी आप वड़ा पाव बनाएं तो ये चटनी पहले ज़रूर बना लें, उसके बाद ही बनाएं, तो इससे जो हमारे वड़े पाव का टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। और इसको ज़रूरी नहीं कि उसी में ही यूज़ किया जाए, आप कभी भी कोई सा भी स्ट्रीट फूड बनाते हैं तो इस चटनी का ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं कि ये हम बनाए कैसे हैं। वड़ा पाव की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ली हूँ, जैसे कि मिर्च ली हूँ, और ये है नारियल का बूरा, एक लहसुन, थोड़ी सा धनिया है, और ये है मूंगफली। मूंगफली नट इस तरह के आते हैं ना, वो ली हूँ। आपके पास ये ना हो तो आप प्लेन मूंगफली ले सकते हैं, फिर उसको आप रोस्ट कर लीजिए। यहाँ पे पैन गरम होने के लिए रख दी थी, गरम हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी मिर्च, अब इसको हम रोस्ट कर लेंगे। हम इनको रोस्ट कर लेंगे अच्छे से अलट पलट के। और फिर जो भी हमारी और भी चीज़ें हैं उनको भी ऐसे ही रोस्ट कर लेना है। हम ये धनिया भी हल्की सी रोस्ट कर लेंगे, बस हल्की हल्की ही रोस्ट करना है। हमारी धनिया भी रोस्ट हो गई, और हम इसको भी निकाल लेंगे। हम लहसुन को भी थोड़ी सा रोस्ट कर लेंगे, और इसका ना छिलका निकाल के रोस्ट नहीं करते, ऐसे ही रोस्ट करते हैं और ऐसे ही इसको पीसते हैं। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, पर ये जो चटनी होती है ना इसमें छिलका सहित ही इसको पीसते हैं। ये हमारी लहसुन भी रोस्ट हो गई हैं, अब हम इनको भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम ये मूंगफली नहीं रोस्ट करेंगे क्योंकि ये रोस्टेड ही होती हैं। अब हम डाल देंगे ये नारियल का बूरा, इसको भी हल्का सा कर लेंगे रोस्ट, और फिर सबको पीस लेंगे। और फिर मैं बताऊंगी कि इसमें डालना क्या है पीसते समय। हमारा बूरा भी, नारियल का बूरा भी अच्छे से रोस्ट हो गया, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं, ये सब अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, और ये हमारी जो लहसुन थी ये भी रोस्ट हो गई। तो मैं इसका छिलका नहीं डालूंगी, मैं छिलके निकाल के ही इसको यूज़ करूंगी मैं। ये देखिए हम इसका छिलका निकाल लिए हैं, और ये लहसुन हमारी साफ हो गई। ये देखिए हम मिक्सी के जार में सब कुछ डाल दिए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सा कश्मीरी पाउडर, कश्मीरी मिर्च, वो भी इससे हमारा कलर भी अच्छा आएगा। और आप इसमें मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये डाल रही हूँ मैं चाट मसाला। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये कितनी बढ़िया है ना, बहुत ही लाजवाब। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारे वड़ा पाव की चटनी का, बहुत ही टेस्टी बनी है, और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो आप जब भी वड़ा पाव बनाएं तो सबसे पहले चटनी बनाएं, उसके बाद ही आप वड़ा पाव बनाओ। उससे क्या होगा कि उसका जो टेस्ट होगा वो डबल हो जाएगा। आप इस चटनी को किसी भी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लो, ये बहुत दिनों तक चल जाती है। और आप कभी भी कुछ भी एयर वो बनाते हैं ना स्ट्रीट फूड, तो आप इसको यूज़ कर लीजिए, उसका टेस्ट जो होगा डबल हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।